आज संसद में उसी दिन को चुना गया जिस दिन माफी भी सावरकर का जन्मदिन था। हमने राष्ट्र का सिद्धांत दिया का हिंदू और मुसलमान दो कौम है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो देशपालों ने भी द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। कट्टर पंथ को हवा दे रहा है तो उसका नाम है मोदी एंड कंपनी। आलम कट्टर पंथ को कोई अगर हवा दे रहा है तो उसका नाम है ओवैसी एंड कंपनी। दो गुजराती देश को बेच रहा है और दो गुजराती देश को खरीद रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप लोग नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह, पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन। बीजेपी पर जमकर बरसे हैं उन्होंने, भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दो गुजराती जो है मिलकर देश बेच रहे हैं, वहीं दो गुजराती मिलकर देश को खरीद रहे हैं। इसके अलावे आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने जमकर सुनाया है। नए संसद भवन को लेकर भी वो बीजेपी में भर के हैं और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। तो देखिए कल सुपौल में आनंद मोहन जो हैं वो क्या कुछ कह रहे थे। आज संसद में उसी दिन को चुना गया जिस दिन माफी भी सावरकर का जन्मदिन था। साथियों, ये कौन लोग थे भारत के टुकड़े करने वाले? अगर जिन्होंने द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया का हिंदू और मुसलमान दो कौम है, हम एक साथ नहीं रह सकते, तो उसके 4 साल पहले यही सावरकर के लोगों ने, गोडसे के खानदान के लोगों ने, आरएसएस वालों ने भी द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। ये कट्टरपंथ नेहरू ने कभी लिखा कि कट्टरपंथी ताकते एक दूसरे की पृष्ठपोषक हुआ करती है। कह रहा था मेरा छोटा बेटा अंशुमन, वो सही कह रहा था। अगर आज कट्टर पंथ को हवा दे रहा है तो उसका नाम है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ हिंदू कट्टर पंथ को अगर कोई हवा दे रहा है तो वह है मोदी एंड कंपनी, और दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टर पंथ को कोई अगर हवा दे रहा है तो उसका नाम है ओवैसी एंड कंपनी। यह एक दूसरे के पृष्ठपोषक है, इस चालाकी को हमको समझना होगा। दो गुजराती देश को बेच रहा है और दो गुजराती देश को खरीद रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप लोग सब जानते हैं, नाम लेने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन आप समझ रहे तो बेकार की बात है कहना। साथियों, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, तो आपने देखा कि आनंद मोहन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है वो देश बेचने का काम कर रही है। रेल बेचा जा रहा है, गेल बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तो गुजराती है जो मिलकर देश को खरीद रहे हैं। इसके अलावे उन्होंने कहा कि किस मौके पर देश के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, इससे भी जग जाहिर है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। तो जब से जेल से आनंद मोहन रिहा हुए हैं, लगातार बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं, आरएसएस पर जमकर बरस रहे हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।